जी नमस्कार, मैं राजा नई फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके न्यूज में पर दर्शकों देखिए बड़ी खुशी की बात है। मैं आया आज रोहिणी क्षेत्र में और यहाँ के एमएलए साहब से मैंने कांटेक्ट किया और उनका पर्सनल नंबर मुझे मिला और मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने तुरंत कहा जहाँ भी हो मेरे ऑफिस में आ जाओ। बड़ी अच्छी बात है कि एमएलए साहब ने मुझे अपना समय दिया, इसके लिए फेस वार्ता की टीम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करती है। और आइए मिलते हैं आज के खास मेहमान से। सर सबसे पहले तो छोटा For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. मैं आपके बारे में क्या बताऊं? क्योंकि आप दो बार विजेता आपने हासिल की, आप अपना नाम और अपने क्षेत्र का नाम और अपने ब्लॉक का नाम बता दीजिए। मेरा नाम महेंद्र गोयल है और मैं रिठाड़ा विधानसभा से सेकंड टाइम विधायक बना हूँ। लोगों के प्यार की बदौलत, लोगों के बीच में रहकर, लोगों के काम कर अपने सरकार के जितने भी काम हैं हमने लोगों तक पहुंचाने का वो कार्य किया। इसी भी है जाहिर सी बात है कि आप दो बार विधायक बने तो जनता आपको प्यार करती है। बिल्कुल, मैं जनता का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। अच्छा अच्छा सर, बात करते हैं मुद्दे की। रोहिणी जयप्रकाश जी नॉर्थ के यहीं हैं, हमने उनसे मुलाकात की, हमने बात की सर कूड़े के ढेर में जो दिल्ली तब्दील हो गई है लगभग और अभी कोई समस्या का समाधान दिख नहीं रहा, तो आपकी नज़र में सर कौन दोषी है? देखिए आपको पता है सफाई की व्यवस्था एमसीडी के हाथों में होती है जी, और लगातार ये अपना भ्रष्टाचार की भेंट दिल्ली का पैसा, दिल्ली की जनता का पैसा ये चढ़ा रहे हैं। लेकिन चेतावनी देते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने अभी इनको दिल्ली सरकार के द्वारा इनको पैसा दिया है और वो तनख्वाह इनकी रिलीज हो रही है सफाई कर्मचारियों की, जो कि एमसीडी को अपने आप करनी चाहिए थी। लेकिन दिल्ली सरकार ने चेतावनी देते हुए कि ये आपको जो पैसा दे रहे हैं ये उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिनके वो हकदार हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है या स्कूल के टीचर्स हैं, वो पैसा दिया। बीरेंद्र गुप्ता जी से मुलाकात की, प्रमाणित है मेरे पास वीडियो, उन्होंने कहा कि हमारी छवि खराब करने के लिए राजनीति की जा रही है, एक साल ही रह गया अब काउंसिलर के चुनाव के लिए, तो आम आदमी पार्टी चाहती है कि उसका ही राज हो, उसके अधीन हो जाए एमसीडी। देखिए छवियां कभी भी राजनीतिक आदमी किसी की छवि को खराब नहीं कर सकता, छवि खराब होती है जब वो काम नहीं करते जी। हम लोग काम कर रहे थे तो दोबारा चुन के आए ना, जनता ने हमें वोट दिया है जी, वो काम नहीं करे तो जनता उनको मिटा देगी, हम छवि उनकी कहां खराब कर रहे हैं? हम तो ये बात कह रहे हैं कि आप ये भ्रष्टाचार को बंद करें, इस भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाकर जनता के आप कामों को करें, हम तो ये बात कर रहे हैं। दुर्गेश पाठक जी का कहना है कि एमसीडी हमारे पास आ जाए तो हम अच्छे से एमसीडी को चला सकते हैं। देखिए दिल्ली की जो पहले दशा थी, आज आपको लग रहा है कि दिल्ली का हमने काफ़ी सुधार किए हैं, चाहे दिल्ली के स्कूलों के अंदर है, चाहे हॉस्पिटलों के अंदर है, या लोगों को फ्री में पानी देने के लिए है, या लोगों को फ्री में इलाज देने के लिए है, फ्री में दवाइयाँ देने के लिए है, महिलाओं के लिए बसों के अंदर भी फ्री में सफ़र देने के लिए है, तो ये दिल्ली सरकार ने किया, तो एमसीडी भी आएगी तो उसका भी हम सुधार करेंगे नेचुरली। अच्छा सर, इस समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा कुछ आपको? देखिए जब हम एमसीडी में आ जाएंगे, पूर्ण तौर पे आपको कह देता हूँ विद इन 6 मंथ आपको दिल्ली की शक्ल सूरत बदली हुई नजर आएगी। केजरीवाल साहब ने कहा था कि मैं दिल्ली को पेरिस बनाना चाहता हूँ, लेकिन अभी हम नॉर्थ में जाए तो दूरदर्शा बड़ी खराब हो चुकी है। अब जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी है या कोई अन्य पार्टी है? हमें नहीं पता, लेकिन जनता पिस रही है। 20 दिन हो गए कोई समस्या का समाधान दिख नहीं रहा सर, ये बात देखिए अरविंद केजरीवाल जी या उनके विधायक जो भी सपने देखते हैं उनको साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और उनको करके रहते हैं जी। पहले कहते थे कि ये पानी फ्री में दे लीजिए, हम कहते थे कि हम पानी फ्री में देंगे, यही था ना। पहले हमने कहा था कि बिजली के ऊपर हम सब्सिडी देंगे, फिर भी हमने दी, लगातार दूसरी बार भी सरकार के अंदर दे रहे हैं और लगातार पिछले 5 साल से दी। तो ये चुनौती जितनी भी हमारे सामने होती है हम बिल्कुल उसकी कैलकुलेशन करके हम अपने मैनिफेस्टो के अंदर वही चीज़ें डालते हैं जिन कामों को हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक इल्ज़ाम लगाया गया मैंने सिसोदिया जी के ऊपर, उन्होंने कहा कि 900 करोड़ रुपए हमने ऑफिशियली दे दिए हैं, लेकिन कुछ प्रतिनिधियों का कहना है कि 1 रुपये नहीं आया। वो तो बैंक का अकाउंट ही बोलता है। अच्छा, कि उनके बैंकों के अंदर वो पैसा गया है या नहीं गया है। आप एक काम करें, उनके बैंक की स्टेटमेंट ले आएँ और उस बैंक की स्टेटमेंट के अंदर, मैं किसी और की तो कहता नहीं,
यदि वो पैसा नहीं होगा तो मैं अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दे सकता हूँ। ये पूरी जिम्मेवारी के साथ बोलता हूँ, ये पैसा उनके अकाउंट्स के अंदर जा चुका है, जा चुका है, या जिस व्यक्ति ने आपको ये बात कही है वो इस्तीफा दे देना, वो बैंक स्टेटमेंट एक बार पेश कर दे आज की और इस समय की। देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, सच को आज नहीं है, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे दूँगा या वो इस्तीफा दे दूँ। अगर विधायक साहब के विचार वो सुनते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, बोलने से पहले सोच लिया करें, क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता। खैर सर, आखिरी सवाल सर, 26 जनवरी 72 साल हमारे गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था और हमारे देश की ताकत भी दिखाई दे रही थी, वो दूसरी तरफ एक प्री प्लानिंग हो रही थी, हमें नहीं पता वो असामाजिक तत्व थे या किसान थे या कौन थे, हमें नहीं पता, लेकिन राष्ट्र ध्वज का अपमान तो हुआ है। देखिए एक स्क्रिप्ट लिखी हुई थी राष्ट्र ध्वज के अपमान के लिए, मैं कहता हूँ कि जो भी जी लाल किले के ऊपर जाने की जिसकी भी नेतागिरी के अंदर वहाँ पर वो पहुँचे गए हैं, उस नेता को उसी लाल किले के ऊपर फांसी दे देनी चाहिए। मैंने अपने ट्विटर के माध्यम से ये ठीक उसी दिन लिखा है, लेकिन फांसी होगी नहीं उसको। क्यों नहीं होगी? क्यों? क्योंकि ये एक प्री प्लान्ड प्रोग्राम था, उस नाते ये प्रोग्राम हुआ है और ये साजिश करने वाले भी जोन हैं, आप लोगों के समक्ष आ जाएंगे। आपकी नज़र में कौन है दोषी? वैसे लोकतंत्र, देखिए मेरी बात सुनिए, आप लाल किले के ऊपर आप खुद जाके देख लो, आप तो एक पत्रकार हैं, आपको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और वो लोग तो किस हिसाब से गए हैं, पुलिस एक तरफ में बैठ गई और उनको कहा जाओ आप। नहीं, 300 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, 300 पुलिसकर्मी वहाँ पर घायल नहीं हुए, वो घायल अलग अलग जगहों पर हुए जी, दिल्ली में, वहाँ पर तो उनको जैसे न्योता दे के बुलाया गया वो ऐसा काम हुआ है। अच्छा, आप पे पूरी की पूरी यदि फिल्म को देखोगे तो आपको आप कहना कुछ चाहते हैं और पब्लिक समझ रही है आपके इशारे को। देखिए मैं नाम नहीं लूंगा उस शख्स का, देखिए मैं किसी का भी नाम लूँ मुझे उस बात के लिए अभी शोभा नहीं देगा, क्योंकि पत्रकार का काम है कि उस सही चीज़ को निकालना। पर एक शख्स है जो बहुत चर्चा में है और आपको भी पता, आप भी जानते हैं उस शख्स का नाम दीप सिद्धू, आजकल छाया हुआ है जी, जो कि रात को अपने लाइव स्पीच देता था जी, सिंह बॉर्डर के ऊपर भी वो उस दिन 2 बजे में जाकर जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहा था, क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया गया? इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति थी। देखिए इशारों में अगर समझे तो राज को राज ही रहने थे, लेकिन ये पब्लिक है बाबू, ये सब जानती है। बड़े अच्छे लगे, सफाई के लिए उन्होंने कहा कि अगर हम आते हैं तो 6 महीने तक ये समस्या हम समाधान करते हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। और दूसरी बात का जवाब भी इन्होंने इशारों में दे दिया, अब जनता भी जागरूक है, जनता जनार्दन सब समझती है। इसी के साथ लेता हूँ विदाई, में राजन भाई फेस वार्ता कैम में हमारे विचार आपके न्यूज नेटवर्क, मिलेंगे एक नए प्रतिनिधि से और जानेंगे उनके भी विचार, क्योंकि जमीन से जुड़ी सच्चाई दिखाने की हम सिर्फ आपको कोशिश करते हैं। धन्यवाद।